जय हिंद जय भारत मैं राम कुमार आपका अपने परिवार इक्लब राम कुमार में हार्दिक स्वागत करता हूं मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास टेंथ बालाजी प्रकाशन के जो सवाल अपने छूट गए थे अठारह 19 तो सॉरी 18 तक तो हो गए थे 19 बीस छूट गए थे शायद तो आज अपन उन सवालों को क्या करेंगे हल करेंगे क्या करेंगे हल करेंगे जिसमें से कि पहला सवाल आपके सामने लिखा है कि, कि किसी धनात्मक पूर्णांक एन के लिए सिद्ध कीजिए कि एन क्यू माइनस एन छः से विभाजित है अब आप सबको पता है आप सबको मैंने आपको पहले ही सिखाया था जो इक्लिड विभाजन होता है उसमें आप सब ने सीखा था कुछ भी हो उससे डर कोई बात नहीं ऐसे मान लिया मैंने आपको ये कोई संख्या थी तो उसे अपन ए मान लेते थे, थे और इधर क्या मान लेते पी क्यू प्लस आर यानी कहने का मतलब जे कि कोई संख्या ए है ए में हम पी से अगर भाग देते हैं तो कितनी बार जा रहा है क्यू बार जा रहा है और अपना क्या बच रहा है शेष तो उसे अपन क्या करते थे पूरी संख्या वाला इन इन दोनों का क्या होता है मेरे भाई हो? गुणा और गुणा होता और शेष पल को जोड़ते हैं तो जो हम बीच की जो, हमारी जो भात जो होती है वो अपन क्या हो जाती है अपन वो संख्या प्राप्त हो जाती है क्या हो जाती है संख्या प्राप्त हो जाती है तो भई अपन ने इसमें किया अपन को क्या करना है ये सवाल है अगर वो छः से भाग देने की बात कर रहा है छह से अपन को भाग देने की बात कर रहा है तो समझ लेना इसका जो शेषफल होगा या तो जीरो होगा या तो छह से कम होगा क्या होगा मेरे भाइयों? या तो जीरो होगा यानी जो कहने का मतलब जो आर है जो अपना आर का मान होगा आर हमेशा होगा वो छः से क्या होगा कम होगा और जीरो से क्या होगा या तो बराबर होगा या जीरो से अधिक होगा ये कंडीशन अपन ने पहले सीख ली थी जैसी कंडीशन होती हैं तो अब इस सवाल में क्या करना है अपन को कि कह कि रहा किसी धनात्मक पूर्णांक है एन के लिए सिद्ध कीजिए कि एन क्यों माने से न जो संख्या दी है अपन को पता नहीं मान कितना है लेकिन एक संख्या जी है वो कह रहा है जी छः से विभाजित है कि नहीं हमने कहा ठीक है हम सिद्ध करते हैं छः से विभाजित है, है कि नहीं तो अपन मानेंगे ठीक है अपन इधर मानेंगे माना माना पूर्णांक इधर क्या दे रहा है माना पूर्णांक क्या है एन एन मान लेते ठीक है तो अपन एन 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 था क्या था एन तो जो अपना छ है तो अपन क्या करते अब मान लो छ है ठीक है तो इसी को अपन इधर समझते हैं अगर मान लो अपन छः से किसी संख्या को क्या कर रहे हैं अब कर रहे हैं छः से किसी संख्या में क्या दे रहे हैं अपन भाग दे रहे हैं वो संख्या अपन को पता है आपको नहीं तो मैं क्या उस संख्या को क्या मान लेते अपन पी क्या मान लेते हैं उस संख्या को अपन पी तो जब भी अपन मान लो छः का अपन एक बार भाग देंगे क्या देंगे एक बार तो शेष अपना क्या बचेगा सॉरी मान लो अपनी संख्या क्या है एन है संख्या क्या है अपनी एन है संख्या अपनी वो क्या एन पूर्णांक दे रहा ना तो छ को छ से अपन एन को भाग करेंगे कितनी बार मान लो क्यू बार हुआ क्यू बार क्या गया उसमें भाग गया और शेष फल कितना बचेगा अपना एक फिर ऐसे अपन दो को लेंगे फिर ऐसे तीन को लेंगे फिर ऐसे चार को लेंगे और पांच को लेंगे तो अपन ऐसे देख सकते हैं एन बराबर क्या छ्यू प्लस के वन यानी क्यू बराबर अपन लेंगे तो छः क्यू प्लस वन फिर छः क्यू प्लस टू फिर छः क्यू प्लस थ्री यानी लिख सकते हैं क्या कर सकते हैं हम लिख सकते हैं यानी है जिसके शेषफल होगा वो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं कि इसका एक लिख सकते हैं छ क्यू वो दूसरा होगा अपना कॉमा छः क्यू प्लस वन फिर क्या हो सकता है अपना छः क्यू प्लस के टू फिर ऐसे हो सकता छः क्यू प्लस के थ्री ऐसे छः क्यू होगा छः क्यू प्लस के चार फिर क्या होगा छः क्यू प्लस के पाँच तो ये क्या है इसके ये इस क्या है इससे विभाजित होंगी छः क्यू बन जिस सब इससे क्या है विभाज्य हैं क्या है विभाज्य हैं तो अपन क्या करते हैं अपन एन बराबर अपन को एन बराबर क्या दे रहा है जी एन क्यू माइनस की एन बन तो अपन इसको क्या करेंगे इसमें एन कॉमन ले लेंगे तो बचेगा n एन स्क्वायर माइनस के वन अब आपको सबको पता है कि एन स्क्वायर है ये का भी स्क्वायर हुआ तो ये सूत्र क्या बन जाएगा इसका एन कोष्ठ में एन प्लस के वन और एन माइनस के वन तो ये तीन क्या होगा इसके गुणनखंड खंड हो गए एक जो एन पूर्णांक है उसके तीन गुणनखंड खंड हो गए एन कोष्ठ में एन प्लस वन कोष्ठ में एन मानेस के वन ये तीन क्या हो गया उसके गुणनखंड हो गए हैं अब अपनों को क्या करना है कि अब एन बराबर पहला मान मानेंगे अपन छ क्यू एन बराबर क्या करेंगे अपन एन बराबर मानेंगे अपन की एन बराबर क्या मानेंगे अपन छः की मानेंगे तो एन की इसमें रखेंगे इस वाले गुणान में क्या रखेंगे अपन एन की जगह क्या रखेंगे छ क्यू तो एन की जगह लिखेंगे अपन छः क्यू होगा पहला अपना छ क्यू फिर कोस्ट में होगा छ क्यू प्लस के बन होगा फिर इधर रखेंगे अपन क्या होगा छ छ क्यू माइनस के बन होगा छः क्यू प्लस के बन होगा और छ क्यू क्या हो गया माइनस के बन हो गया जी अपन ने के इसमें रखने पर गुड़नखंड में रखने पर फिर अपन क्या करेंगे इसको फिर अपन ए वाला मान रखें, रखेंगे क्या रखेंगे फिर एन बराबर क्या लिखेंगे अपन छ्यू प्लस के वन तो जो अपना जी मान है इसी इसी मान में अपन मारे, मारे पन, इसको भी रखेंगे एन की जगह छः क्यू प्लस के वन और फिर क्या लिखेंगे छः क्यू प्लस के वन और एक प्लस का वन है ही और फिर क्या होगा छः क्यू प्लस के वन और माइनस का वन है तो अपन वो क्या होगा तो देखो छः क्यू प्लस के वन तो है ही है कि नहीं अब एक और एक दो हो जाएंगे तो जे क्या हो जाएगा छ क्यू प्लस के टू फिर जे क्या हो जाएगा घट जाएगा तो जे बचेगा छः क्यू क्या बचेगा ये मेरे भाई हो। सिर्फ क्या बचेगा छः क्यू जिसको क्वेश्चन में लिख लेंगे इसको क्या बचेगा छ क्यू तो अपन ने देखा अपन ने देखा कि देखो छः क्यू छः क्यू छः क्यू प्लस वन बचा और देखो छः क्यू तो देखो पहले अपना क्या है छः क्यू छः क्यू आएगा क्या आएगा छः क्यूँ आएगा फिर देखो क्या है छः क्यू प्लस टू आएगा फिर ऐसे ही अपन को पता चल रहा है कि अगर अपन ऐसी मान रखते जाएंगे तो ये संख्या क्या है छः से विभाज्य है संख्या क्या है जो भी अपना जो अपन ने माना है ना समीकरण ये किससे ये छः से पूर्ता क्या है विभाजित है बस ऐसे इसको सिद्ध करना है ऐसे अब तुम एन बराबर क्या रखोगे इसको रख लो छः क्यू प्लस के टू तो ऐसे ही तुम एन की छः क्यू प्लस के भी टू रखोगे तो ऐसे ही क्या करेंगे फिर ऐसे ही एन की जगह एन की जगह छः क्यू प्लस के टू रखेंगे फिर एन की जगह छः क्यू प्लस के बन रखेंगे फिर छः क्यों तो छः क्यू थ्री हो जाए छः क्यू टू भी आ गया और छः क्यू वन भी आ गया और छः क्यों फिर प्लस भी आ गया फिर फोर भी आ तो इससे ये होता है कि छः से क्या है पूर्णता विभाजित है क्या है छः से पूर्णता विभाजित है इसी प्रकार से इन सवाल करना है इनको आसान है बहुत ही क्या है आसान है कोई कठिन बात नहीं है अपन को तो ये देखना है कि जो छः जी अपन ने क्या लिखी है इसके लिए हैं कि ये संख्या से क्या विभाजेते है पहले बन बच सकता है दो विशेष वाल हो सकता है तीन विशेष वाल बच सकता है चार भी बच सकता है पाँच भी बच सकता है पाँच से ज़्यादा होगा नहीं फिर हमने क्या कि कैन बराबर इसके गुणनखंड कर लिए संख्या एन बराबर क्या रखें छः क्यू रखेंगे छः क्यू प्लस बन रखेंगे छः क्यू प्लस टू फिर छः क्यू प्लस थ्री फिर छः क्यू प्लस फोर फिर छः क्यू प्लस फाइव ऐसे क्या करते जाएंगे हम हमको रखते चले जाएंगे अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर देंगे तो मैं और अच्छे समझाने का आपको प्रयास करूँगा अब आपके सामने रहा बीसवा सवाल जो कि बिल्कुल क्या है सेम टू सेम है कुछ भी नहीं करना इसमें अगर आपको उस सवाल में समझ में नहीं आया तो इस सवाल में अपन अच्छे समझने का क्या करेंगे इसको प्रयास करेंगे क्योंकि सवाल है ना तो उसको थोड़ा मुस्कुराओ मन में ही फॉर्मूला बनाओ तो बस वो करना है अपन को इस सवाल को बहुत अच्छे से अपन समझने का क्या करेंगे प्रयास नहीं करेंगे समझेंगे ही तो सवाल कह रहा है किसी पूर्णांक Q के लिए सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग अब क्या करना धनात्मक जो भी अपन पूर्णांक मानेंगे वो क्या करेंगे उसका वर्ग करेंगे तो फाइव क्यू फाइव क्यू प्लस वन फाइव क्यू प्लस टू के रूप में होता है कि नहीं हमने कहा हम कर सकते हैं तो हम मान लेंगे सबसे पहले अपन क्या कर लें माना पूर्णांक माना पूर्णांक क्या है एन क्या अपना एन क्या है अपना पूर्णांक एन मान हैं हैं और जितनी भी जी एन एन अपन ने माना है क्या माना मेरे भाई एन माना है तो अपन क्या करेंगे इस सवाल में अपन क्या करेंगे कि माना पूर्णांक अपन ने क्या माना एन अपन को सिद्ध करना है कि जब भी अपन एन का क्या करेंगे वर्ग करेंगे क्या करेंगे वर्ग करेंगे तो ये उसमें मिलता है कि नहीं अगर ये मिलेगा तो तो विभाज्य होगा और जब मिलेगा ही नहीं तो विभाज कैसे होगा आपने क्या बिल्कुल सही है जैसे कि अगर मैं लिख दूँ दो ऐसे छः लगा क्या लगा छः और मुझे दो से विभाज करना है तो मैं क्या करता हूँ इसको छः को कैसे लिखूंगा दो तिया छः और नीचे दो तो इसमें देखो दो मिल गया कि नहीं मिल गया तीन से कोई संपर्क नहीं देखो दो मिला कि नहीं देखो दो से दो कट गया तो ये विभाज्य होगी तो कहने का मतलब यही रहता है कि जो पिछला सवाल था उसमें वो जो चीज़ मिलनी चाहिए वो उससे कट जाएगी विभाज्य हो जाएगी और बकाया उसके साथ क्या लगा उससे हमें क्या लेना देना जो उसमें मिल रहा उससे काम होना है वहाँ तो ऐसे तो ही सवाल ये कह रहा है कि एन बराबर तो हम क्या करेंगे इसमें एन बराबर क्या मान लेंगे एम एन बराबर क्या मान लेंगे फाइव एम एन बराबर क्या मान लेंगे फाइव एम फाइव एम फिर फाइव एम प्लस वन फाइव एम प्लस टू अब अगर अपन क्यों मानेंगे मेरे भाई क्यों अगर अपन मानेंगे तो फिर क्यों सिद्ध कैसे कर पाएंगे अपन को दिक्कत होगी ना तो अपन एम में ये नहीं कहता कि आप एम मानो उधर आप ई वी सी डी का कोई भी अक्षर मान सकते हो सिर्फ क्यू को छोड़कर क्योंकि क्यू उधर लिखा है तो सिद्ध करने में क्या होगी अपनी को थोड़ी परेशानी आएगी क्या आएगी परेशानी आएगी तो इसीलिए हम क्या नहीं कर सकते क्यों नहीं मान सकते पी मान सकते हो तुम तो बेशक सक मान सकते हो तो अपन क्या करें अपन ने पूर्णांक एन बराबर क्या मान लिया फाइव मान लिया तो क्या करेंगे इसका वर्ग की बात कर रहा तो अपन क्या करें जब एन का वर्ग करेंगे किसका वर्ग करेंगे एन का तो अपन को फाइव का ही वर्ग करने पड़ेगा आप कहोगे हाँ भैया करना पड़ेगा जब इसका अपन वर्क करेंगे तो क्या होगा 25 एम स्क्वायर क्या होगा मेरे भाई 25 एम स्क्वायर तो अपन क्या करेंगे 25 में से 5 को बाहर कर लेंगे उसे लिखेंगे 5 एम स्क्वायर क्या कर लिखेंगे 5 एम स्क्वायर और अपन लिखेंगे माना इसे को हटा दूं तो अपन इधर लिख देंगे माना कि q बराबर 5 एम स्क्वायर तो अपन इधर मान लिया कि माना q बराबर 5 M. तो इधर हम क्या लिख देंगे 5 q देखो घात जोगी क्या नहीं ऐसे अब क्या करेंगे अपन Q को ले लिया अपन अब लेंगे फाइव क्यू प्लस वन तो n बराबर क्या लेंगे फाइव क्यू प्लस वन जब इसका वर्ग करेंगे तो इसका ही वर्ग होगा तो दोनों लिखेंगे दोनों पक्षों का वर भी लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इधर लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर करने पर और जो भी ये सब पूर्णांक है ये सब एन के बराबर है किसके बराबर एन के तो हम इधर इसका भी क्या करेंगे पूर्णांक तो इधर क्या मानेंगे फाइव क्यों नहीं क्या मानेंगे फाइव एम प्लस वन देखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो जब अपन इसका वर्ग करेंगे तो एन स्क्वायर होगा और इधर होगा फाइव एम प्लस वन का स्क्वायर होगा तो जब इसका सूत्र खुलेगा तो क्या होगा ए स्क्वायर और वन का होगा तो बी स्क्वायर फिर लिखेंगे टू ए का मान कितना है अपना फाइव एम और बी का मान कितना है एक तो अपन क्या लिख देंगे मेरे भाई एक और ये तो एन स्क्वायर था तो एन स्क्वायर हो जाएगा तो पाँच का वर्ग पच्चीस एम स्क्वायर तो एक का वर्ग एक होगा और पांदुनी पांडुनी दस दस क्या हो जाएगा एम हो जाएगा क्या हो जाएगा दस एम तो इसको अपन क्या लिख ले लेंगे साइड लिख लेंगे पच्चीस एम स्क्वायर प्लस के दस एम प्लस के बन अब इसमें से आप कहोगे भैया कौन मिल रहा मैं कहूँ क्या कौन मिल रहा आप कहोगे भैया इसमें से कौन मिल रहा है कितना तो हाँ आप इसमें से कॉमन ले लो भैया कितना फाइव फाइव अपन इसमें से कॉमन ले लेंगे ले 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 तो फाइव अपन फाइव, फाइव एम क्या ले लेंगे फाइव कॉमन ले लेंगे तो सर बचेगा पचम पच्चीस एम स्क्वायर और प्लस के टू एम क्या टू एम और प्लस के वन अब पाँच कॉमन क्यों लिया क्योंकि इधर फाइव क्यू का वो कंडीशन चल रहा है इसीलिए पांच कॉमन लिया तो अपन लिख लेंगे कि माना क्यू बराबर कितना मान माना अपन ने फाइव एम स्क्वायर प्लस के टू एम तो इसकी जगह अपन को क्या रख देना क्यू रख देना तो देखो हो गया फाइव क्यू प्लस वन देखो ये भी मिल गया तो इसी अपन ऐसे अब अप क्या करेंगे एन एन फिर फाइव एम वन लेंगे फिर फाइव एम टू लेंगे तो फाइव टू बी एम भी क्या हो जाएगा इसी प्रकार से हल हो जाएगा इसी प्रकार से क्या हो जाएगा हल तो इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं सवालों को बड़ी अच्छे तरीके से क्या निकाल सकते आंसर अब ये अपन ने सवाल किया इसी का सेम टू सेम सेंट क्या आता है एक और सवाल आता है बिल्कुल सेम टू सेम उसमें यार ना थ्री और फ़ाइव कहेगा मिलेगा कि नहीं तो उसमें वो मिलता ही नहीं वर्क करने वर्क क्या नहीं मिलता मिलता ही नहीं ठीक है तो ऐसे ही आपको सवालों को हल करना है ऐसे बस इधर फाइव की ऊपर टू रख लोगे और ऐसे ही आपका सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, हो जाएगा आंसर तो ऐसे सवालों क्या करना और अच्छे तरीके से अपन को क्या करना हल करना है अगर आपको दिक्कत है तो मैं करके दिखा दूंगा उसमें कोई डर की बात थोड़ी है अदरवाइज़ ये मिटालना पड़ेगा जिसको मिटाल के लियो देख लो जी फाइव की तो ही जाता अपना अब देखो इसको आगे कैसे करेंगे अगर तुम्हें दिक्कत है तो इसको देखो आगे कैसे करते हैं अपन एन बराबर क्या मान लेंगे जी फाइव एम प्लस टू अब क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों का अपन वर्ग करते हैं क्या करते हैं मेरे भाई वर्ग तो अपन को क्या करते हैं जी एन स्क्वायर होगा क्या होगा एन स्क्वायर होगा इधर तो फाइव एम प्लस टू का होल स्क्वायर होगा तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के टू ए का मान पाँच ए बी का मान दो तो पाँच का वर्ग होता है पच्चीस एम क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा दो का वर्ग चार होता है दूनी दस दस दूनी बीस कितना हो जाएगा मेरे भाई बीस एम हो जाएगा ठीक है इतना समझ में आ गया आपको भैया देना तो हमें समझ में आ गया फिर मैं कहूँगा आपको लिखना पच्चीस एम स्क्वायर और फिर ये क्या लिखनी है अपन को बीस एम प्लस के चार आपको बिल्कुल हमें इतना समझ में आ गया तो मैं कहूँगा इसमें से आप पाँच कॉमन ले लो इधर बचेगा पाँच एम और प्लस के चार एम प्लस के चार क्या हो गया प्लस के चार तो अपन क्या करेंगे प्लस के चार हो गया तो क्या हो गया प्लस के चार हो गए तो अपन q बराबर क्या मान लेंगे फाइव एम स्क्वार प्लस के फोर एम बराबर क्या q तो इसकी जगह अपन क्या लिख दें फाइव क्यू प्लस के फोर देखो ये भी मिल गया ठीक है ये मिल नहीं रहा इसको देखता हूँ मैं एक मिनट बुक देना तो ऐसे ही अपन क्या करना है इसको हल करना है क्या करना है हल करना देखते है देखते हैं कहीं गलती हो गई होगी उसको अपन देख ले दे रहा एक मिनट में उसमें कोई डरने की बात नहीं है तो बुक में तो हाँ सवाल अपन ने क्या लिख दिया मेरे भाई गलत लिख दिया जी टू ना हो कि इधर क्या है मेरे mm. like भाई फोर लिखा था क्या लिखा था फोर इधर क्या है फोर क्या है फोर तो हमने सिद्ध किया क्या किया भाई सिद्ध किया तो हमारे क्या आ गए आंसर आ गए क्या आ गए आंसर आ गए अपन क्रम में कैसे लेंगे फाइव क्यू लिया फिर फाइव क्यू बन लेंगे फिर फाइव क्यू प्लस टू लेंगे तो ठीक है तो टू भी लिया तब क्या अपना फोर आया तो कहने मतलब ये विभाज्य क्या है विभाज्य क्या है विभाज्य और अब इसी से मिलता जुलता एक सवाल और पूछा जाएगा आपसे ऐसा पूछा जाएगा यानी फाइव क्यू प्लस के टू यानी फाइव क्यू प्लस के थ्री जे पूर्णता विभाज्य है कहें तो ये क्या है स्क्वायर में क्या नहीं होते हैं पूर्णता विभाज्य नहीं होते हैं इसका आंसर ये होता है ये सब क्या है विभाज्य है ठीक है तो ऐसे अपन को इस सवाल को करना था ऐसे अपन ने इस प्लस सवाल का क्या दे दिया जवाब दे दिया ठीक है तो ये एक्साइज क्या होती है यहीं पर क्या होती है समाप्त होती है क्या होती है समाप्त हुई आज इसका क्या हो गया फिनिश हो गया तो आपसे विदा लेता हूँ अगली वीडियो मिल मिलते है अपन। हैं अपन अपन एक्साइज लेकर आते हैं वन पॉइंट टू उसके अपन सवालों को बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे और उनके क्या देंगे शानदार जवाब देंगे ठीक है इंकलाब जिंदाबाद जय हिंद जय जह भारत